अखिलेश मायावती में सबसे बड़ी जंग, अखिलेश का मायावती पर सबसे बड़ा हमला। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में लगे अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर बड़ा हमला बोला है। एक के बाद एक तीन वार किए, जिसे सुनकर मायावती भी हैरान रह गई। उसके बाद बसपा पार्टी की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन आपको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव ने मायावती पर किस तरह से तीन बड़े वार किए। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती वही करती है जो भाजपा उसे करने के लिए कहती है। मायावती भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली ऐसी नेता हो गई है जो अपनी ही बनाई जेल में कैद है और उनका जेलर दिल्ली में बैठा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कल संवाददाताओं के सवालों पर प्रतिक्रिया दी और यही इन्होंने बसपा पर तीन बड़े वार किए। अखिलेश यादव का पहला वार, बसपा वही करती है जो भाजपा उसे करने के लिए कहती है। उन्होंने कहा कि मायावती के निशाने पर भाजपा नहीं बल्कि सपा होती है। चुनाव में भी बसपा ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जिसकी वजह से सपा हारे। उन्होंने कहा कि वो भाजपा से नहीं लड़ रही, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद है। उनका जेलर मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है। अखिलेश यादव का दूसरा वार, अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले दो विधानसभा चुनाव में बसपा की मदद के बिना भाजपा की सरकार नहीं बन सकती थी। उन्होंने मायावती के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में बसपा ने एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया, इसी तरह आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और दो दिन बाद भाजपा का समर्थन कर दिया। और अखिलेश यादव का तीसरा बड़ा वार, इससे पहले भी अखिलेश यादव बसपा और मायावती पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते रहे हैं। पहली बार उन्होंने जेल और जेलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि मायावती के लखनऊ से बाहर नहीं निकलने को लेकर अखिलेश ने निशाना साधा है। अखिलेश ये कहना चाहते हैं कि मायावती भाजपा के इशारे पर लखनऊ तक सीमित हो गई हैं। हालांकि सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में सपा के 5 और बसपा के 10 उम्मीदवार जीते थे और ये गठबंधन नाकाम साबित होने के बाद टूट गया। अखिलेश यादव ने तो मायावती पर निशाना साध दिया, लेकिन बसपा पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव को जवाब देने वाले हैं आकाश आनंद, जो मायावती के भतीजे हैं। उन्होंने ट्विटर पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, बीएसपी सिर्फ एक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है। हम हमेशा देश के शोषित वंचित समाज के साथ खड़े रहते हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को समर्थन देकर बीएसपी ने सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की भावना को बल दिया है, लेकिन आपको दलितों और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वो 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं, वो अखिलेश यादव जी ना जाने किस भ्रम में है। तीसरे ट्वीट में उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्वीट में लिखा है कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुल के बयान कर रहे हैं, कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं। अखिलेश यादव जी, आप आजकल अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है, तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ। तो देखा आपने, अखिलेश यादव ने मायावती पर हमला बोला तो बदले में मायावती के भतीजे ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया। फिलहाल ये वार पलटवार तो यूं ही चलता रहेगा। देखना होगा कि यूपी की राजनीति आखिर लोकसभा चुनाव में किस मोड़ पर जाकर थमेगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूपी से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।